पाई पाई को मोहताज हो चुके और दुनिया के कई देशों से कर्ज मांग रहे पाकिस्तान में इन दिनों हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोटी पानी को तरस रहे पाकिस्तान में अब तेल का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल अब तेल कंपनियों ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि बस कुछ ही दिनों में देश की ऑयल इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है, जिसका सबसे बड़ा कारण है लगातार डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए का गिरना। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली मदद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मदद मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने डॉलर कैप को हटा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप इंटरबैंक मार्केट में रुपया 276.58 रुपए के ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिर गया है। मीडिया खबरों की माने तो तेल और गैस नियामक प्राधिकरण और ऊर्जा मंत्रालय को लिखे एक पत्र में तेल कंपनी सलाहकार परिषद OCAC ने कहा कि स्थानीय रुपए के अचानक गिरने से उद्योग को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इसी के साथ घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण सरकार ने LC यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट को भी प्रतिबंधित कर दिया है। आपको बता दें पाकिस्तान इस समय भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहा है और रुपए की गिरती कीमत आयातित वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा रही है। ऊर्जा में पाकिस्तान के आयात बिल का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। पाकिस्तान आमतौर पर आयातित प्राकृतिक गैस का उपयोग करके अपनी सालाना बिजली की मांग का एक तिहाई से अधिक पूरा करता है, जिसकी कीमतें यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद लगातार बढ़ी है। गौरतलब है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 3.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ये आंकड़ा काफी खतरनाक है और सिर्फ 3 हफ्तों के आयात के लिए ही है। अगर IMF पाकिस्तान के साथ किसी समझौते पर पहुंच भी जाता है तो भी पैसा मिलने में समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पैंकर न्यूज।